मिनट रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। देखो अभी भी जा रहा है क्या? सर अभी ठीक है। है ना, चलो। सर एक बार लास्ट वाला स्टेप समझा दो ना। वापस पूरा समझा देता हूँ ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं थी। देखो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ठीक है बेटा? तो साइन सी प्लस साइन डी लगाया, टू साइन टू ए प्लस टू बी बाई टू कॉस टू ए माइनस टू बी बाई टू, टू 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 कट गया, टू साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साइन टू सी, ठीक है? साइन टू सी को लिखा टू साइन सी कॉस सी, साइन टू सी को लिखा टू साइन सी कॉस सी, इतना क्लियर है? यस अभी सर। इसमें से साइन सी बाहर निकाल लिया, ठीक है? तो क्या लिखा है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, इतना ठीक है? यस सर। अभी कॉस सी प्लस कॉस डी, तो टू कॉस ए माइनस बी प्लस सी बाई टू कॉस ए माइनस बी माइनस सी बाई टू, इतना क्लियर है? अभी ए प्लस सी को 180 माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, ए प्लस सी को 180 माइनस बी, और बी प्लस सी को 180 माइनस ए से, तो क्या लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस बी और कॉस ए माइनस 90, तो कॉस 90 माइनस बी साइन बी और ए माइनस 90 90 माइनस ए, दैट इज साइन ए, ठीक है? यस सर। सर मेरा हो गया कॉपी करके। हाँ, कैसे भी साइन निकालना होता है। ठीक है, मैं दो तीन क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। आई थिंक एपी वन के बच्चे शायद पहले कह रहे हो नहीं कराया था, बट मेरे हिसाब से कराया था। अब मेरे पास नोट्स नहीं है प्रूफ करने को, इसलिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से कराया था। ठीक है, एनीवेज मैं और क्वेश्चन दिखा, देखो ना सेकेंड क्वेश्चन, सब में एक ही तरीका होता है। मैं दो तीन क्वेश्चन करता हूँ। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू वन प्लस फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, जहां पे ए प्लस बी प्लस सी इज 180। आई थिंक तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री इस वीक में रिवाइज करनी पड़ेगी, कुछ होमवर्क देना पड़ेगा उसके लिए ढंग से, तुम लोग सब भूल गए हो। चलो ठीक, कैसे करेंगे बताओ कीर्ति इस बार। हाँ कॉस ए कॉस बी को टू कॉस ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू। बढ़िया, प्लस कॉस सी, ठीक है? अभी ए प्लस बी बाय टू को क्या लिख सकते हैं, वन कॉस एटी माइनस सी सी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू प्लस कॉस सी, दिस इज टू साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस सी। अब बता
क्या करूं कि साइन सी बाई टू कॉमन निकाल पाऊं? बोल, साइन सी बाई टू कॉमन निकालना है, कैसे निकालूं? कॉस सी में से साइन सी बाई टू कॉमन बता। वन माइनस टू स्क्वायर टू साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है? हाँ सर। अब बता, टू साइन सी बाई टू कॉमन लिया, ठीक है? अब बोल, कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन सी बाई टू, ठीक है? प्लस वन। अब बोल, अभी साइन कॉस सी माइनस साइन सी का फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता। कॉस सी माइनस साइन सी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना? नो सर। तो क्या करें, इस साइन को कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं बताओ? कॉस 90 माइनस सी बाय टू। हाँ ठीक है, तो उससे अच्छा एक काम करें क्या, टू साइन, एक काम करते हैं ना, इस साइन को अपन चेंज कर देते हैं ना, सी को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 180 माइनस ए प्लस बी बाई टू से, ठीक है, प्लस वन, तो क्या बन जाएगा बताओ? तुम मेरा लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, मैं ऐसे ब्रेक कर पा रहा हूं कि फॉर्मूले लगा पाऊं, ठीक है? ये तो वही रहेगा, ये तो वही रहेगा है ना। अब यहां बताओ, ये साइन 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू बन गया ना, तो क्या होता है वो, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, समझी? हाँ। अभी अभी बताओ, ये तो हो गया टू साइन ए बाई टू और टू साइन बी बाई टू, समझा? हाँ सर। चमका कैसे करना है अटेम्प्ट? यस सर। एग्जांपल 10 का क्वेश्चन, हाँ मैं सारे टाइप्स का एक एक सॉल्व कर रहा हूँ, चिंता मत, नहीं एग्जांपल अब तो सॉल्व करना, एग्जांपल 20 का देखना बनेगा ना अभी। सर एक मिनट, मैं कॉपी कर रही हूँ। हाँ हाँ कॉपी करो, सभी लोग कॉपी करेंगे, एपी वन के सब लोग कॉपी करेंगे। सर सर वो लास्ट के दो स्टेप समझा नहीं। कौन सा बताओ? सर वन प्लस टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस, ये वाला। हाँ सर वही वाला, ये वाला साइन सी बाई टू को लिखा है 180 माइनस ए प्लस बी, सी को लिखा है 180 माइनस ए प्लस बी, ये क्लियर है? हाँ सर। तो 180 बाई टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू, इतना क्लियर है? हाँ सर। तो साइन ऑफ 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ओके सर। क्लियर है, हो गया? सर मुझे एग्जांपल 20 के 16 सम में डाउट है। ओके सर, हो गया कॉपी कर।
ठीक है, मैं एक और करता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू टू प्लस टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, चलो करो इसको। कैसे करेंगे देखो, अभी अपने पास साइन के स्क्वायर्स को ऐड करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सो इसको अपन हायर एंगल्स में चेंज करते हैं। हायर एंगल में चेंज कैसे होगा, वन माइनस कॉस टू ए बाई टू प्लस वन माइनस कॉस टू बी बाई टू प्लस वन माइनस कॉस टू सी बाई टू, थ्री बाई टू माइनस हाफ कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? थ्री बाई टू माइनस हाफ कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, अभी थ्री बाई टू माइनस, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी अपने को इस पे काम करना पड़ेगा ना, कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी पे। ठीक है, तो कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी। ठीक है, कैसे करेंगे वापस से? अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना? यस सर। अभी सेम क्वेश्चन प्रीवियसली सॉल्व किया है कि नहीं किया है ना? यस सर। तो आप डाल के सॉल्व कर लो। यही किया था कि साइन वाला किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा किया। साइन वाला किया था शायद। पहला क्वेश्चन कौन पहला क्वेश्चन cos c वाला था ना, साइन 2a वाला था, साइन 2b और साइन 2a। ठीक है, ये वाला नहीं किया है ना, इसको भी कर लेते। देखो cos 2a plus cos 2b plus cos 2c, ठीक है, बताओ क्या होगा, 2 cos a plus b cos a minus b, 2 cos a plus b cos a minus b, यहां तक क्लियर है, प्लस cos 2c। अभी a plus b को क्या लिख सकते हैं बताओ, 180 माइनस c इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस टू सी। इतना क्लियर है? कॉस 180 माइनस c कितना होगा, माइनस टू कॉस c कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस टू सी। ठीक है, अब cos c कैसे बाहर निकालें बताओ, cos 2c को ब्रेक करेंगे, 2 cos cos 2c को ब्रेक करते हैं किस में, 2 cos square c minus 1, 2 cos square c minus 1, तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 cos c बाहर आ गया, क्या लिखा है, cos c minus cos a minus b minus 1। ठीक है, यहां पे क्या cos c, अभी cos c माइनस cos a माइनस b, बताओ क्या होगा, 2 साइन a माइनस बी माइनस सी बाई टू साइन सी प्लस a माइनस बी बाई टू। इतना क्लियर है? माइनस वन, 2 कॉस सी, 2 साइन a माइनस बी प्लस सी कितना होगा, 180 माइनस a बाई टू साइन 180 माइनस बी माइनस बी बाई टू माइनस वन, 2 कॉस सी 2 साइन कितना होगा, ए माइनस 90 साइन
90 माइनस बी, इतना क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 cos c, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ए विथ माइनस साइन, ये हो जाएगा cos a, ये हो जाएगा cos b माइनस वन, यहां तक क्लियर है? इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ इंटू माइनस वन प्लस हाफ, और ये 3/2 प्लस हाफ कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, और ये 2 कट के कितना बन जाएगा तुम्हारा, और ये 4 हो चुका है ना, ये 4 हो चुका है। क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर क्लियर। कॉपी करो, सर टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं बुझा तो प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। क्या चीज? टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? Which of the following is true? हो गया ये? हाँ ठीक है, दो मिनट। सर जा तो साइड हो जाओगे क्या?
हो गया सर। ठीक है, टेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी बाई वन माइनस, ये फॉर्मूला ड्राइव, ये फॉर्मूला मालूम है नहीं मालूम है, ड्राइव किया था नहीं किया था AP1 कुछ भी याद है? ट्रिग्नोमेट्री सब भूल चुके हो। tan a a और b का दो ही एंगल का किया था। हां सर ये वाला नहीं किया था। कर लो tan a plus b plus c, करो अभी देखो आता है क्या। tan a plus tan b plus c by 1 minus साइज करो ले, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था नहीं किया था? साइज यस सर, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था नहीं किया था? सर नहीं किया था, नहीं किया था, किया था पता नहीं यार, मुझे तो आश्चर्य लगा। तुम लोग कुछ तुम लोग एक बार नोट्स को रिवाइज करो यार, मानस सुन टके फॉर्मूला रिवाइज, फॉर्मूला किया था नहीं किया था ड्राइव? सर ये tan tan a plus b का, सर ये वाला नहीं किया था। ठीक है करो tan a, पता नहीं मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने चार एंगल्स का फॉर्मूला सेट किया था ऐसा, s1 minus s3 1 ये सब नहीं किया था? नहीं किया सर। ठीक है tan a plus, कोई बात नहीं, tan b plus tan c by 1 minus tan b tan c, करो देखो आया क्या। tan b plus tan c 1 minus tan b tan c क्या होगा बताओ? LCM ले लोगे? tan a into 1, हाँ किसी के टीवी चल रही है प्लीज बंद करो यार। tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a tan b tan c भाई नीचे में क्या आ जाएगा बताओ? 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ये बात चमकती है? तो बताओ यहां से tan 3a का फॉर्मूला आ रहा है क्या? b इक्वल टू c इक्वल टू a डाल दो, b इक्वल टू c इक्वल टू a डाल दो, क्या बनता है? हेलो यस सर, b इक्वल टू tan 3a का फॉर्मूला कराया है कि नहीं कराया है? क्या सर वो करा, तो डालो b इक्वल टू c इक्वल टू a डालो, क्या बनता है बोलो? b इक्वल टू c इक्वल टू a माइनस tan cube अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ओके बन गया ना? अरे ये क्लियर है क्या tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला? क्लियर है सर। ठीक है कॉपी करो, ठीक है।
सर ये ए प्लस बी प्लस सी वाला याद नहीं रखना है ना, याद रखना है, डिराइव कर सकते ऑन द स्पॉट ऑफ फेयर. जब करें हाँ सर ठीक है. क्वेश्चन लिखो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, प्रूव दैट टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी. टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू. पहला हुआ? Yes, sir. कैसे होगा बताओ? अभी लिखा ना फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी प्लस सी क्या है बताओ? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए है ना. और ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 180. तो टेन 180 कितना होता है?
tan 180 जीरो होता है ना, तो अगर ये चीज जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, ये बात चमकी? यस सर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, समीकरण का क्या मतलब होगा बताओ, इस केस में क्या प्रूफ करना है, इसका क्या मतलब है, क्या प्रूफ करना है बताओ? tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 tan c by 2 tan c by 2 plus tan c by 2 tan a by 2, ये प्रूफ करना है ना। तो कैसे प्रूफ करें, इसी फॉर्मूले में अभी ये तुम लगा दो a by 2 b by 2 c by 2 पे, क्या बनेगा बताओ, tan a by 2 plus tan b by 2 plus tan c by 2 minus tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2, नीचे में क्या आएगा बताओ, 1 minus tan a by 2 tan b by 2 minus tan b by 2 tan c by 2 माइनस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू, ये क्लियर है? हेलो, यस सर। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू कितना होगा, 90। टेन 90 कितना होता है, साइन 90 बाई कॉस 90, ऐसा होता है ना, लिखना ही गलत है वैसे, बाई लिख रहा हूं वैसे ही, tan 90 क्या होता है, sin 90 by cos 90 ना, tan 90 not dif- tan 90 का प्रॉब्लम क्या है, नीचे में जीरो बन जाता है ना, yes. Yes, इसका मतलब ये चीज क्या बन रही होगी, जीरो जीरो, 1 minus tan a by 2 tan b by 2 minus tan b by 2 tan c by 2 minus tan c by 2 tan a by 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो हो गया ना प्रूफ, नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा, दिखा सर मुझे सेकंड स्टेप नहीं समझा, कौन सा ये वाला, कौन सा पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, कौन सा सेकंड स्टेप का कौन सा स्टेप, ये फॉर्मूला समझ में आया, ये जो फॉर्मूला लगाया है a by 2 b by 2 c by 2 पे, फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा, हाँ सर। अभी a plus b plus c 180 डिग्री, तो a plus b plus c by 2 लिखा है ना, which will be 90, now tan 90 क्या होता है, sin 90 by cos 90 and cos 90 कितना होता है, जीरो, इसका मतलब यहां पर ये टर्म क्या बना होगा, यहां पर नीचे में जीरो बना होगा ना, तभी ना ये 90 अनडिफाइंड होगा, tan 90 क्या होता है, sin 90 by cos 90, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, tan 90 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर नीचे में क्या लिखा होगा, जीरो लिखा होगा ना, हेलो, यस सर, समझी, क्लियर है क्या, सर क्लियर है, डाउट क्या है बता, नहीं डाउट क्या है, यहाँ पे इतना tan 90 लिखा हुआ है ना, ये इतना tan 90 का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, अगर ये tan 90 लिखा है तो tan 90 में दिक्कत क्या होती है, नीचे में जीरो बनता है ना, तो नीचे में यही टर्म तो है, 1 minus tan a by 2 tan b by 2 minus tan b by 2 tan c by 2 minus tan c by 2 tan a by 2, ये कितना बनेगा, जीरो बनेगा ना, हाँ सर, क्लियर है अभी, यस, yes.
सर हो गया कॉपी करके। रब करें हाँ सर। अभी क्लियर है एग्जांपल 20 कैसे अटेम्प्ट करना है? यस सर। तभी वापस से क्वेश्चन छोड़ता हूँ, फिर करके आ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्लास खत्म नहीं कर रहा हूँ, चले मैं रुको, मैं बस कह रहा हूँ एग्जाम्पल 20 वापस से नेक्स्ट क्लास में करके आओ, अगेन वी विल डिस्कस, ठीक है? एग्जाम कहाँ तक आता है मैंने, 1 से लेके 19 तक, ठीक है? सब लोग अभी वापस से ट्राई करना इसको, ठीक है? yes, और जिन लोग yes. और जो लोग कर पा रहे हैं आराम से वो लोग 20 से लेके 35 तक कर लेना। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक है, तो अपने को एक चीज डाउट पूछ सकते हैं क्या बेटा? नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ सकते हैं? हाँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना। ओके सर। अभी बहुत लोग बोले ना शायद कि नहीं पढ़ाया था पहले, तो फिर मैंने इसलिए पढ़ा दिया वापस से, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे ना सर। आप वो वाला एक टाइप का सम सिखा दो ना तो मैं आगे कर पाऊंगी। कौन सा बोलना सर? एक मिनट। सर 16 सम वैसे ही करना है वापस से बेटा, वैसे ही जोड़ोगे ए बाई टू, एक और कर लेते हैं मतलब, ठीक है? इसमें लोगों को दिक्कत आ रही होगी, फिर से वैसे ही करना है। देख, साइन ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू, ठीक है? क्या करना है? माइनस वन इज इक्वल टू 4 साइन पाई माइनस ए बाई फोर साइन पाई माइनस बी बाई फोर साइन पाई माइनस सी बाई फोर, ठीक है? तो अभी देखो नीली वापस है ना, इन दोनों को जोड़ना है, 2 साइन क्या हो जाएगा बताओ? ए प्लस बी बाई फोर, कुछ अलग नहीं होगा, कॉस ए माइनस बी बाई फोर प्लस साइन सी बाई टू माइनस वन, ठीक है? अब क्या करें वापस से, ए प्लस बी क्या होगा बताओ? 180 माइनस सी। हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां से कॉमन कैसे निकाल सकते हैं? एक ही तरीका है, पूछो क्या? इसको तो 2 साइन सी बाई फोर लेके कॉमन नहीं निकाल पाते ना, तो क्या करोगे? पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, है ना? और अब यहां पर क्या लिखा है देखो, 2 साइन पाई माइनस सी बाई फोर, तुमको ये देखना पड़ेगा कि कैसे क्या लिखे कि कॉमन निकाल पाए। अब यहां से साइन पाई माइनस सी बाई फोर निकाल सकते हैं ना, कैसे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस सी बाई टू बाई टू, तो पाई माइनस सी बाई फोर, चमका? ये और एक कट गया, अभी क्या आ गया बाहर? 2 साइन पाई माइनस सी बाई फोर बाहर आ गया, और यहां पर क्या लिखा है? कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई फोर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस सी बाई फोर। यहां तक क्लियर है? yes, अब अगेन प्रॉब्लम वही है कि कॉस माइनस साइन का फॉर्मूला हमको नहीं आता है, ठीक है? तो इस वाले साइन को कॉस में चेंज कर लो। साइन को कॉस में चेंज कैसे करते हैं? पाई बाई टू माइनस पाई माइनस सी बाई फोर। यहां तक क्लियर है? yes, sir. ठीक है, तो अब बस हो गया, ए माइनस बी बाई फोर माइनस कॉस, यहां पे एलसीएम ले ले
टू पाई माइनस पाई तो पाई, और ये हो जाएगा प्लस सी बाई फोर। अब कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दे तेरा बन जाएगा। सब लोग कॉपी कर ले क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये, अगेन टफ था। कॉपी कर लिए? यस सर। चलो। नो सर। कहाँ तक नहीं किया तूने कॉपी? सर बस लास्ट वाला ही बस। कर ले, चल कर ले। अब तो कर लियो कॉपी, ठीक है, अब तो हो गया। रख करें? क्या बोल रहा है संस्कार? सर वेडनेसडे को कोई क्लास नहीं है तो फॉर्मूला क्लास लीजिए ना, मतलब पहले आपने जैसे लिया रिवीजन टाइप। क्या बोल रहा है? कॉस, किसी ने पूछा है कॉस ए माइनस 90 को कॉस 90 माइनस ए को लिखा, ये था ना कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था, कॉस ऑफ माइनस ए। हमने प्रूव कर रखा नहीं ये तो सर? संस्कार तुमको अब यार मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बनाना पड़ेगा, फिर वापस से काम कर सकता हूँ मैं। तुमने एक बार तो बना ही रखा है सलोनी, मैं वापस से होमवर्क डाल देता हूँ 13 से लेके 20 तक का, वो डिस्कस कर लेंगे अपन लास्ट क्लास में, और क्या कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है? या तो कहो तो वो अलग कर लेते हैं, कौन सा फिलिपको वाला, वही कर ले क्या? फिलिपको वाला कर ले संस्कार, पर कोई भी चलेगा। मैं सोचता हूँ कर लेता हूँ, क्योंकि एसी वन का प्रलिप को बचा हुआ है तो उनका भी हो जाएगा और तुम्हारा दूसरी बार हो जाएगा। नैतिक क्या करें, ऐसे दोनों वापस कर लें कि प्रलिप को कर लें? बोल तो प्रलिप को, प्रलिप को वाला, चलो ठीक है। अरे यार ये मैं गोल गोल क्यों घूम गया, शिट।
By the way, AP1, तुम लोग को याद है ना वो सब कोसाइन के सीरीज? अच्छा तुम लोग को तब तो मैं उस पे पढ़ाता था ना वैकॉम वाले टैबलेट पे, तुम लोग को तो नोट्स की हर दिन मैं भेजता था पीडीएफ बना के। हाँ सर। तो पढ़ो ना उससे एक बार, पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक बार संस्कार बैठ के पढ़ तो एक बार उस चीज को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। तुम्हारे पास सब कुछ रिटर्न में है ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है? ओके सर। हाँ वेडनेसडे हो तुम लोग, कोई क्लास नहीं है क्या? क्या बोल रहा है संस्कार? अच्छा दो दिन छुट्टी दी गई ना एग्जाम। हाँ अच्छी बात है ना। कल मैं ट्राई करता हूँ और रात में 8 बजे के बाद लेने का, ठीक है? तब लाइट आ जाती है 8 बजे सबके यहाँ। और इसको लिखते हैं अपन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। सीक्वेंस एंड सीरीज। एक काम करेंगे ना, कल जो रात में 8 बजे क्लास रखूंगा ना, उसमें एसएल लोनी के 20 क्वेश्चन और प्रलिपको के वो लास्ट वाले क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, नंबर वाले क्वेश्चन। तो सभी लोग का फॉर्मूला का रिवीजन भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। इसमें थे ना वो नंबर्स वाले क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट पड़ रहे थे आप लोगों को स्टार्टिंग में, दोनों काम हो जाएगा और डिस्कशन कर लेंगे कल। और कल शीट का भी डिस्कशन करना है ना पूरा, बचा हुआ है अभी 3 सेक्शन। तो सीक्वेंस एंड सीरीज तीन सेक्शन ऑफ पार्ट टू भी? नहीं नहीं पार्ट टू का तो पूरा बचा है ना बेटा। हाँ सर मतलब वो भी है तो 2 घंटे में हो जाएगा ना। ट्राई तो कर ही सकता हूँ डिस्कस करने का। चलो लिखो सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है? लिखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली बोर्ड ना नीचे होना चाहिए था, मतलब ये ना पता नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी चेयर ऊपर कर लीजिए, नहीं होता ना उतना ही ऊपर होता है मैक्सिमम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वांटिटीज लिखो। देखो एपी क्या होता है, सुनो मैं पहले समझा देता हूँ, ठीक है? एपी क्या होता है सबको 10th से मालूम है, ठीक है? एपी क्या होता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स को एपी में कब बोलते हैं, जब सारे टर्म के बीच में जो डिफरेंस हो ना वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब मान लो 10 टर्म दिया हुआ है तो सारे टर्म जो है ना हर एक कंजुगेटिव टर्म का रेशियो जो हो ना वो कांस्टेंट हो तो उसको बोलते हैं जीपी। एचपी क्या होता है, ऐसे टर्म्स जिसको जब रेसिप्रोकेट कर देते हैं ना तो वो एपी में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं एचपी। ये 3 चीज क्लियर है बेसिक समझने के लिए, ठीक है? वापस बता रहा हूं मैं, एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है? मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन। द टर्म्स A1, A2, A3, .. आर said to be in AP if A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to AN minus AN minus 1 is equals to D. This D is called common difference. This D is called common difference. ठीक है,
देखो किसी भी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का जो लाइफ लाइन होती है ना, लाइफ लाइन वो होती है उसका nth टर्म और उसके n टर्म्स के सम का फॉर्मूला, nth टर्म और उसके n टर्म्स के सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो अपन यहां पर भी पहले nth टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे और सम निकालेंगे। देखो ध्यान देना, अरे यार ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है बहुत सिंपल बट आएगा काम बाद में बहुत ज्यादा। इक्वल टू डी ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू डी ए एन माइनस ए एन माइनस वन इज इक्वल टू डी। इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया तो क्या हो रहा है बताओ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या आ गया ए एन माइनस ए वन। कितने रोज लिखे हुए हैं ये काउंट कर सकते हो, कितने रोज लिखे हुए टाइम्स होगा ना, नहीं बेटा काउंट करो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो एन माइनस वन एथ रो एन माइनस वन डी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ये क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ये तो टेंथ में पढ़ के आए हो ना, एपी के अनेट टर्म के नहीं पढ़ के आए हो? पढ़ के आए सर। फिर बी में आते हैं, सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, बिल्कुल सिंपल है। एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए वन प्लस ए टू अप टिल ए एन, ये मानते हो? यस सर। ठीक है, इसी एस को तो मैं इसी में प्रोसीड कर रहा हूं, देखना एस को मैं लिख रहा हूं ए वन प्लस ए वन प्लस डी डॉट 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 प्लस ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ओके। इसी एस को मैं उल्टा लिख रहा हूं अभी, ए वन प्लस एन माइनस वन डी, इसके पहले क्या आएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है बताओ, ए वन प्लस एन माइनस टू डी, क्या ये बात चमकती है? और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ए वन, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको बताओ? तो दोनों को ऐड कर देने पे क्या हो रहा है बताओ, दिस प्लस दिस क्या बन जा रहा है, 2a1 वन प्लस एन माइनस वन डी। यहां तक क्लियर है? वापस से इसको और इसको ऐड करो। अरे ऐसा लग रहा है तुम लोग पढ़ के नहीं आया टेंथ में यार, इन दोनों को ऐड करो क्या बन रहा है, a1 वन प्लस ए वन क्या हो जाएगा 2a1, यहां पे क्या लिखा है n माइनस टू डी और d क्या बन जाएगा वापस से 2a1 वन प्लस एन माइनस वन डी। ऐसे ही डॉट 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 लास्ट में वापस से क्या बन जाएगा 2a1 प्लस एन माइनस वन डी। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। कितनी बार लिखा हुआ है चीज, एन एन बार, एन एस कितना, तो एस कितना हो गया एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बात क्लियर है सभी को? इसी को एक अच्छे तरीके से कैसा लिखते हैं, एन बाई टू इंटू क्या लिखा हुआ है, ए वन प्लस ए वन प्लस एन माइनस वन डी, है ना? तो बताओ क्या लिखा हुआ है, बोलो भाई क्या लिखा है, ए वन प्लस ए एन, ए वन प्लस ए एन, ये क्लियर है क्या? हेलो सर। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एन बाई टू इंटू ए टू प्लस ए एन माइनस टू, ये क्लियर है? नहीं समझे ये?
चलो ठीक है, कॉपी करो पहले इसको, कॉपी कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. कॉपी करो बता देना यार. हाँ सर हो गया. हो गया सर. हो गया सर. हो गया सर. सर लोग कॉपी कर लिए. यस सर. नहीं कोई बात नहीं. रश्मित 8:15 से क्लास है बेटा, अभी क्यों आए हो? रब करें? Yes, sir. पहले तो मैं यही पार्ट रब कर रहा हूँ, पार्ट सी छोड़ रहा हूँ इसका, ठीक है? अरे यार ये पेन कर सी पार्ट. एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर कर सकते हो, अगर A1, A2, AN आर टर्म्स ऑफ एपी, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है क्या यहां से बताओ तो? A1 प्लस AN क्या होगा? इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1. A2 प्लस AN माइनस 1 है ना, इक्वल टू ऐसे A3 प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग वाले इक्वल है. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, ठीक है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लेट्स सी हाउ मच क्लियरली यू आर एबल टू थिंक. A1, A2, A6 बताओ यहाँ पे क्या आएगा?
a1 plus a6 is equals to a2 plus a5. अगला बता क्या आएगा? a3 plus a4. परफेक्ट, सिंपल था. अब बताओ a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7. अब बताओ क्या आएगा? a1 minus a7. A1 plus a7. हाँ सर. a2 plus a6. a3 plus a5. ओके. a4 सिंपल हो जाएगा ना सर. A3 plus A5 और A4 के साथ क्या आएगा? वही तो, क्या आएगा? कॉमन सेंस क्या कहता है? A4 plus A4. 2A4 हो जाएगा. ठीक है, तुम अभी क्लास खत्म के बाद ना इसका एपी का टर्म लिखना आता है ना बचपन से, लिख के मैच कर लेना. देखो यही आएगा. क्लियर है क्या अच्छे से? इसलिए ठीक है. ये सी वाला पार्ट सबको क्लियर है क्या अच्छे से? ठीक है. कॉपी करो सी वाले पार्ट को. सर हो गया सर. सी पार्ट वाला मत रख दीजिए. हाँ आत्ताला द्यायला बोलला मी मम्मी टाकलेला द्यायला बोलला अभिषेक. कॉपी कर लिए? यस सर. हाँ सर. नेक्स्ट लिखो इसी में डी टॉपिक इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स. इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इन
इंसर्शन ऑफ, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, रुक जाओ एक मिनट. Insertion of arithmetic mean between two numbers A and B. Hello. Here. नहीं ये खत्म हो गया. जल्दी खत्म कर, जल्दी ठीक है. मिट्टी में गेट लाएंगे गई नहीं सकता जाएंगे लाएंगे. ठीक है लिखो. बिटवीन ए एंड बी लेट ए वन ए टू ए एन बी एन अरिथमेटिक means inserted. It means that A1, A2, A n, B are in AP. समझ में आएगा क्या लिखा है? नहीं सर. नहीं सर. पढ़ो ना. पढ़ो. बिटवीन ए एंड बी लेट ए वन ए टू ए एन बी एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड. ये बोल दिया. क्या मतलब है इसका? कि ए ए वन ए टू ए एन बी जो होंगे वो एपी में होने चाहिए. बस इसका मतलब यही है. इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ मुझे. Between A B let A1 A2 B and arithmetic means inserted मतलब हर दो नंबर के बीच एक किसी मतलब किसी भी दो नंबर के बीच में तुम कितना भी arithmetic mean insert कर सकते हो. बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं. किसी भी दो नंबर के बीच में तुम कितने भी arithmetic mean insert कर सकते हो. और arithmetic mean insert करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि A A1 A2 A n B जो है वो AP में. बस ये बोल रहा हूँ मैं. देखो ना मैं क्वेश्चन देख करता हूं ना. अरे यार ये रिफिल क्यों खत्म हो गया. इंसर्ट फाइव अरिथमेटिक मींस बिटवीन टू एंड टेन. ठीक है क्या करना होगा बताओ. दो से दस के बीच में पांच नंबर इंसर्ट करना है ना. सच दैट दो से दस के बीच में पांच नंबर इंसर्ट करना है. सच दैट They are in AP. बस, they are in AP. यही तो मतलब है arithmetic mean का, है ना? अब A1, A2, A3, A4, A5 निकालना है. कैसे निकालोगे बताओ? सर सबसे पहले 2 और 10 का mean ढूंढेंगे. नहीं mean में मत जाओ ना. एक काम कर सीधा D निकालते हैं. common difference. जब अपन बचपन में करते थे common difference ढूंढ common difference ढूंढते हैं ना. जो 10 है वो इस सीरीज का विच टर्म है बताओ. पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा कौन सा टर्म है? सातवा. तो टू प्लस सिक्स डी है ना. तो तुम्हारा डी कितना आ गया बताओ? एट बाई सिक्स आ गया डी. क्लियर है? यस. तो अब बताओ ए वन क्या होगा बोलो. 2 प्लस 8 बाई 6 कितना आ गया बताओ? 20 बाई 6 है ना. ऐसे ही A2 कितना आएगा बताओ? 20 बाई 6 प्लस 8 बाई 6. हाँ कितना आएगा बताओ? 28 बाई 6. A3 कितना आएगा? 36 बाई 6. A4 कितना आएगा? 44 बाई. A5 कितना आएगा? 52 बाई.
अरे क्लियर है सभी को क्या था, कुछ टॉपिक था ही नहीं ना, ये बस एक टॉपिक था, क्या टॉपिक का नाम था, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो क्या है, बिटवीन टू नंबर्स आप कितना भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हो, उसी का मैंने डेफिनेशन दिया, लेट ए वन ए टू ए एन बी एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड, इट मीन्स दैट ए ए वन से लेके ए एन और बी किसमें है, एपी में, एपी में किसमें है, एपी में। हाँ सर, वो जो ए थ्री वाला जो आया ना अभी, वो सिक्स हाँ, होता है ना, फिर उसको हाँ, अगर वैसे भी निकालेंगे तो भी सिक्स आएगा, तो वैसा हाँ, हमेशा सेम वैसा हाँ, वो, हाँ, वो, अरे वो तो बताया ना, ये अगर टर्म्स एपी में है, अभी अपुन ने क्या सीखा था बताओ, टू प्लस टेन विल बी इक्वल टू ए वन प्लस ए फाइव विल बी इक्वल टू बोलो ए टू प्लस ए फोर विल बी इक्वल टू बोलो टू ए थ्री, ये तो अभी अपन ने सीखा ना। हाँ, देखो वही तो मैच कर रहा है, ए थ्री कितना आया, बारह बाई दो छ है ना। सर अगर इसमें हमें सिर्फ फोर ए एम डालने होते तो भी उसमें से एक ए एम जो होता वो उसका सेम आता, लिख के देख लो, टू ए वन ए टू, इस बार तो तुम्हारा सीरीज नहीं बनता ना, अगर चार का करती तो कैसे बनता बताओ, यहाँ पे क्या होता प्रॉपर्टी, टू प्लस टेन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए फोर इज इक्वल टू ए टू प्लस ए थ्री, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवेन हो गए तो ऐसा बन जाएगा ना, ए टू प्लस ए थ्री, यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्म्स और थे ना साथ, इसलिए ऐसा बना ना, टू प्लस ये एक बच गया तो टू आ गया, मतलब अगर टर्म्स इवन होंगे तो जो पुराना वाला मेथड है उससे करना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, कोई मैं ये कहां से आ गया इवन और, मैं कुछ बोल ही रहा हूँ, मैं कभी नहीं कर रहा हूँ इससे, मैं हमेशा ऐसे कर रहा हूँ बॉस, मैं मेथड में ऑड इवन पर डिपेंडिंग मेथड नहीं बता रहा हूँ मैं भाई, आई एम टेलिंग डू बाय दिस मेथड, वो बच्चे ने कहा कि ये होल्ड कर रहा है, मैंने बोला हाँ होल्ड कर रहा है, होल्ड ये भी कर रहा है, बस आई डोंट टेल मेथड बेस्ड क्वेश्चन। Okay. क्लियर है क्या, आई डोंट टेल मेथड बेस्ड क्वेश्चन भाई, आई डोंट बिलीव इन दैट कि मेथड पे क्वेश्चन डिपेंड करना चाहिए, ठीक है, बस मैंने ये बताया कि ये होल्ड करेगा और ये होल्ड करेगा अपना अलग अलग सीरीज में, बस वो डिफरेंट चीज है, उसको कोई मतलब ही नहीं ना इससे तो। अरे क्लियर है क्या, yes, sir. Yes, sir, clear. Yes. कॉपी करिए, कल के लिए जो होमवर्क रख रहा हूं ना मैं, वो 20 क्वेश्चन और हॉलैंड नाइट का 4A, हॉलैंड नाइट का 4A, कॉपी कर लो, रिपीट कर दो ना, क्या चीज बता, होमवर्क हॉलैंड नाइट का 4A, ऑनलाइन नाइट नहीं है मेरे पास, तीन महीने में बुक नहीं खरीदे, कोई बात नहीं, हॉलैंड नाइट की सॉफ्ट कॉपी शेयर की गई थी ना ग्रुप पे एक बार, हाँ तो एक बार वापस से शेयर कर देना कोई ग्रुप पे शेयर्ड है सारी सॉफ्ट कॉपीज, एक बार ग्रुप पे शेयर कर देना, मेरे ख्याल से अभी तो हाल फिलहाल में शेयर की थी, चेक कर लेना एक बार, ठीक कोई बात नहीं है तो कुछ शेयर कर दो, ठीक है, हाँ है तो हॉल नेट की बुक शेयर्ड है यार, क्या बात कर रहे हो, अगस्त में शेयर्ड है हॉल नेट की बुक, मेरे मोबाइल पर दिख रही है मुझे तो, किसी ने शेयर की 26 क्वेश्चंस करने हैं ना, हाँ किस दिन शेयर की गई है हॉल नेट की बुक, मुझे दिख तो रही है उसमें मीडिया में, बट अभी शेयर कर दिया मैंने, नहीं वापस से किया, यानी पहले भी तो शेयर थी, चल ठीक कोई बात नहीं, हाँ ये दिखी ये थी ना बुक,
ठीक है सबको क्लियर है क्या होमवर्क क्या है? नहीं प्लिपको से कल कर नहीं दूंगा, ठीक है पहले ये कर लेते हैं, पहले वो 20 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कल, ठीक है? ठीक है अपन कल ही मिलेंगे 8:15 पे मिलेंगे, लाइट 8:15 तक आई जाती है मोस्टली ट्यूसडे को, तो 8:15 के आसपास मिल लेंगे, ठीक है? कॉपी कर लिया सबने? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। यस सर। बाय सर।